नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि हम हर बार हाजिर हो जाते हैं किसी नए विषय के साथ, लेकिन वो विषय यूं ही नहीं उठाते हैं, उसका होता है हमारी इस वक्त की सिचुएशन से सीधा सीधा वास्ता। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश का मौसम सिर्फ खूबसूरत पल लेकर नहीं आता है, बल्कि साथ में लेकर के आता है बहुत सारी परेशानियां। बहुत सारी बातों पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक हमने उठाया है वो है स्किन प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब, बारिश का मौसम बहुत तरीके की परेशानी लेकर के आता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्किन प्रॉब्लम बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि खूबसूरत हर कोई देखना चाहता है। थोड़ी बहुत परेशानी को तो मेकअप से छिपाया जा सकता है, लेकिन जब परेशानी बढ़ जाती है तो ये मेकअप से भी नहीं छिपती है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ खूबसूरत दिखने की नहीं है, स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है और ये परेशानी भी हमारे स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर स्किन प्रॉब्लम होती क्या है? देखिए नंदिनी जी, स्किन प्रॉब्लम माने मोटे तौर से जी, स्किन हेल्दी स्किन पर विभिन्न प्रकार के आक्रमण। ये आक्रमण फंगल हो सकते हैं जी, बहुत बार वायरल होते हैं, और कुछ केसेस में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जी होते हैं। फंगल की बात आपने की, वायरल बहुत अजीब लगा मुझे। वायरल मोस्टली फीवर हम सुनते हैं, बैक्टीरिया हाँ, समझ में आता है, फंगल समझ में आता है, लेकिन बहुत बार होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं जी, कि एक महिला हमारे पास आई, बोली साहब पूरे स्किन में आग जैसी लगी रहती है जी, और अगर पानी डाल लो तो ये आग और जलती है। फिर किया क्या जाए ऐसे में? तो बहुत मुश्किल है ऐसे में जी। और फिर जब उसका विभिन्न तरीके से जांच की गई तो पता लगा कि उसके रक्त के अंदर जबरदस्त वायरल इन्फेक्शन है जी। तो इस तरह के सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शन हाँ, हैं जी। तो बहुत सारी स्किन की बीमारियां होती हैं, तो इस हेल्दी स्किन में कोई भी चीज की गड़बड़ी आती है जो स्किन को जी अस्वस्थ करती है, उसकी सुंदरता में नुकसान पहुंचाती है, वो स्किन की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, बड़ी बड़ी परेशानियाँ तो होती ही हैं, शुरुआत करना चाहूँगी छोटी छोटी कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ में। तो बारिश के मौसम से अगर कनेक्ट करके इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, तो पहली आम परेशानी आप क्या बताना चाहेंगे सबसे ज़्यादा जो होती है? देखिए स्किन की जो बरसात के मौसम में आम तौर से थाइज में खुजली होना, अंडर आर्म्स में खुजली होना, या दूसरे किसी भी अंग में खुजली होना, ऐसे में फुंसियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ बस खुजली होती। हाँ खुजली होती, और खुजलाते खुजलाते आदमी परेशान हो जाता है। अगर उसके नाखून बड़े हैं तो यहाँ तक कि खून भी आ जाता है जी। तो ये बरसात के मौसम में एक कॉमन होने वाली समस्या है, जो सामान्य रूप से स्त्री पुरुष सभी को, वृद्ध बालक सबको घेरती है। तो इसका कोई घरेलू नुस्खा भी आप, मैं चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं परेशानी की और समाधान न बताएं ये तो हो ही नहीं सकता, और समाधान हमेशा आप रसोई से ज्यादातर लेकर के आते हैं, या फिर बहुत ज्यादा करना पड़ गया तो पास वाले पंसारी की दुकान तक पहुंचना पड़ता है। इसका समाधान क्या बताएंगे? देखिए इसका समाधान घर में ही है जी, आप रसोई में ही है। आप लहसुन के 4-5 कलियों को और 12-15 तुलसी की पत्तियों को जी, इसको पीस लीजिए, और इसको स्किन वाले स्थान पर, स्किन में जो दुखदायी स्थान है, जो खुजली वाला स्थान है, उस स्थान पर अच्छी तरह लगा लीजिए। 15-20 मिनट के बाद आप इसको, ये गिर जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाने दीजिए, देसी घी चुपड़ लीजिए, प्लेन देसी घी, हाँ 15-20 मिनट बाद, दो दिन के अंदर भयंकर खुजली में भी उतना सुधार आएगा कि आदमी सुकून से सो सकेगा, और हफ्ते भर में तो ये खुजली पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो
पहला सवाल उठाया खुजली का। एजिंग ऐसी प्रॉब्लम होती है जो सुनने में तो बड़ी सामान्य लगती है, पर जो इससे परेशानी से जूझ रहा होता है वो ही जानता है, क्योंकि फिर वो कोई काम नहीं कर पाता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, मन रहता है तो सिर्फ परेशानी पर ही लगा रहता है। इसका उपाय बताया। दूसरी जो सामान्य जो बारिश के मौसम में होने वाली परेशानी, स्किन से रिलेटेड क्या बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्किन की प्रॉब्लम होने के मुख्य कारण क्या? जी, ये बहुत जरूरी है जानना, बिल्कुल। क्योंकि हम बहुत बार, हर बार कोई ना कोई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की तरफ दिमाग जाता है जी। लेकिन बहुत बार कोई दूसरा कारण होता है। हाँ। और हम फंगस फंगस सोचते रहते हैं। होता क्या है, फिर कोई क्रीम लगा लेते हैं दो चार दिन के लिए, ठीक, फिर वही दर्द, फिर वही खुजली, जी जी, फिर वही समस्या, क्योंकि हमें सही वजह नहीं पता है परेशानी की। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानेंगे हम जरूर कि क्या कुछ वजह होती है खुजली की, जो भी परेशानी स्किन की होती है। लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हमको ये पूछना था, सबसे ये हमारे स्किन में ना चेहरे पे बहुत ज्यादा काले धब्बे पड़ गए हैं, स्पॉट बहुत काले काले, मतलब पूरा काला ही समझिए जैसे हो रही है स्किन, माथे पर और आंख के इधर बगल में, और थोड़ा गाल से भी आधे गाल के हो गया है कालापन, बिल्कुल झाई जैसा होता है वैसा हो गया है। देखिए, काफी हमने दवा भी की है मगर कुछ फायदा नहीं किया है। देखिए, ये जो स्पॉट है, जो कालापन है, इसको दूर करने के लिए एक बहुत सहज उपाय आपको बताना चाहते हैं कि आप तुलसी की पत्ती के चटनी बना लीजिए, तुलसी की पत्तियों को पीस लीजिए और चेहरे पर सुबह दोपहर शाम थोड़ा सा रुई में भिंगो के ये लगाते रहिए। अगर पूरा चेहरा काला है तो पूरे चेहरे पे लगाते रहिए, माथे और जहाँ जहाँ कालापन है, 6 से 8 सप्ताह में ये कालापन धीरे 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 कम होते होते बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन नंदिनी जी, जो हम चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार की समस्याओं के, स्किन की प्रॉब्लम के मूल कारण क्या होते हैं, कारण क्या तो वो कारण भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला कारण है रक्त की अशुद्धि। जब भी कोई स्किन में इन्फेक्शन होता है तो लोग कहते हैं खून में कोई गड़बड़ी आ गई, खून में खराबी आ गई, खून की खराबी है। ये सामान्य जनता में, सामान्य समाज में सब लोग ऐसा कहते हैं। तो ये बात सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह सही है कि रक्त की अशुद्धि, रक्त में, खून में उन तत्वों का उपस्थित होना, उन चीज़ों का उपस्थित होना या उनकी मात्रा ज्यादा होना जो शरीर के लिए जरूरत नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन स्किन डिसीजेज का, विशेषकर चेहरे पर, माथे पर कालापन लाना, झाइयां लाने का एक बड़ा कारण है। आप अपनी डाइट को ठीक करें, पेट खुल के साफ होना चाहिए। और तीसरी चीज है आहार की विकृति। नंदिनी जी, हम प्राकृतिक आहार को छोड़ते जा रहे हैं और विकृत आहार को लेते जा रहे हैं। अगर दाल भी खाएंगे तो उसको इतना फ्राई कर देंगे, प्याज लहसुन अदरक टमाटर सब को इतना मिला के, दुनिया भर के मसाले डाल के इतना स्पाइसी बना देंगे कि एक प्राकृतिक आहार भी विकृत अवस्था में पहुंच जाता है। एक और बात जो स्किन डिसीजेज के लिए बहुत जिम्मेदार है, सिंथेटिक कपड़े। हम लोग कपड़े अट्रैक्टिव खरीदते हैं देखने में, बट बहुत बार ये कपड़े की क्वालिटी ऐसी होती है जब वो स्किन के साथ चपकते हैं, स्किन के संपर्क में आते हैं, तो ये स्किन डिसीज को पैदा करते हैं। विभिन्न प्रकार के नशा, नंदिनी जी, चाहे चाय का नशा हो, चाहे कॉफी का नशा हो,
चाहे शराब, गुटखा, अफीम, भांग का नशा हो, ज़्यादातर नशेबाज लोगों के, जिन लोगों को किसी चीज़ की तलब लगती है, उन लोगों को अक्सर स्किन में प्रॉब्लम देखी जाती है। जी, यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हाँ जी, हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ वरुण जी, सवाल मेरी हेलो 50+ एज है, तो दांतों में बहुत मसूड़ों में दर्द रहता है और मुंह से थोड़ी दुर्गंध की भी शिकायत है। देखिए, दांतों के सेहत हमारी मसूड़ों की स्वस्थता पर निर्भर करती है। अगर हमारे मसूड़े मजबूत हैं तो हमारे दांत भी अच्छे होने की ज़्यादा संभावना होती है। मसूड़ों में आपने सूजन की बात कही है, मुंह से बदबू की बात कही है, इसके लिए एक बहुत सहज उपाय करें। आप सेंधा नमक, 100 ग्राम सेंधा नमक और 200 ग्राम हल्दी, पिसी हुई हल्दी, दोनों को मिला के रख दीजिए। ये 300 ग्राम आपका मंजन तैयार हो गया। अब आधा चम्मच ये मंजन, जो हल्दी और सेंधा नमक मिला हुआ है ये मंजन, और इसमें आधा चम्मच नीम का तेल मिला लें। नीम का तेल मिलाने के बाद इसको उंगली से कोमलता के साथ मसूड़ों की मालिश करते रहें 10 मिनट तक, अंदर बाहर दांतों को पूरी, ये मुंह की कैविटी की अच्छी तरह मालिश करें। 10 मिनट रुकने के बाद गर्म पानी से कुल्ला कर लें। इसके तुरंत बाद कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए। ये सुबह और रात्रि में सोने से पूर्व दोनों बार करिए, आप देखेंगे कि आपके मसूड़ों की सेहत बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको बताया है आपकी परेशानी का उपाय, जैसे कि आपने एक हिदायत भी दी है कि 10 मिनट मसूड़ों की मसाज करें और गर्म पानी से कुल्ला करें, लेकिन 10 मिनट तक कुछ खाएं ना, उसके तुरंत बाद कुछ ना खाएं, ऐसा कुछ आपने लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी से कुल्ला किया, उसके बाद तुरंत खा लिया, कुछ नहीं तो चाय ले ली। हाँ जी, थोड़ा आधा घंटे तक परहेज करें ताकि जो हानिकारक बैक्टीरिया सब मर जाए, बाहर निकल जाए। यही मेरा, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि आखिर मना किया तो क्यों मना किया, ये जानना बेहद जरूरी है। और कारण बता रहे थे आपके जो स्किन डिजीज है उसके क्या? अब अगला कारण है जी, बहुत सारी दवाओं के रिएक्शन होते हैं जी। बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं, एलोपैथिक दवाएं, जो ब्लड को इम्प्योर कर देती हैं, वहाँ फंगस डेवलप कर देती हैं ब्लड के अंदर। ऐसी इम्प्योरिटी जब पैदा हो जाती हैं तो स्किन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिन्हें हम दवाओं का रिएक्शन भी कह सकते हैं, साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। एलर्जिक स्किन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत सारे ऐसी कारण होते हैं जी। और अगला जो बात है उससे मैं बहुत जोर दे के कहूँगा, गंदगी। हम लोग क्रीम पाउडर तो लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा दिया, बाजार में चले गए, लेकिन कभी क्या सोचते हैं कि अगर पसीने की बदबू आ रही है तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर बदबू का कोई स्रोत है, ये नहीं सोचते। लेकिन कोई ना कोई परफ्यूम डालेंगे, कोई और उपाय करेंगे। मैं पढ़े लिखे लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कहीं बदबू आ रही, अगर कमरे में बदबू आ रही है तो आप ढूंढते हैं कि कहीं चूहा मरा पड़ा है, कहीं कोई और साधन है, और जब शरीर के अंदर से बदबू आ रही है तो हम बाहरी उपाय ढूंढते हैं कि बाहर से कोई क्रीम पाउडर लगा लें, कोई ऐसा उपाय कर लें कि दूसरे को बदबू ना लगे। मेरा आपसे विनती है, एक बार चिंतन करें कि क्या ऐसा कारण है और उस कारण को दूर करें। बहुत से लोग साबुन से नहाने के बाद ये समझते हैं स्किन साफ हो गई, स्किन हेल्दी हो गई, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि साबुन से न तो स्किन पूरी तरह साफ होती है और ना ही हेल्दी होती है, ये केवल एक भ्रम है। बेहतर उपाय है कि आप कम से कम सप्ताह में 2 बार मुल्तानी मिट्टी से स्नान करें, रगड़ रगड़ के शरीर को नहाएं, इससे शरीर के रोम छिद्र, स्किन के रोम छिद्र खुलेंगे, आपकी सेहत
विशेषकर स्किन की सेहत बहुत अच्छी होगी। कुल मिलाकर के परेशानियां जो भी कारण है इसको डिस्कस करते करते आखिर घूम फिर करके हम पहुंचे प्रकृति के ही समीप। आपने एक जो बताया कि बहुत जरूरी है, जितनी भी तरह के आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं उससे ज्यादा बेहतर साबित होगा और मुल्तानी मिट्टी का आप इस्तेमाल करें। तो जैसे कि आपने बताया कारण हमने जाने, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हैरत में डाल रही थी कि जैसे आपने बताया कपड़े का गलत इस्तेमाल चुनाव भी हमें परेशानी में डाल सकता है। ये जो परेशानी थी कपड़े वाला आपने एग्जांपल दिया, टेम्पररी स्किन प्रॉब्लम होती है या भयानक रूप भी ले सकती है? देखिए आप नियमित रूप से खराब कपड़े पहनते रहेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं कपड़े धोते नहीं है जी, ये जैसे कि आपने बताया सफाई का ख्याल जी, कपड़े गंदे कपड़े, पसीना निकला शर्ट, फिर सुबह पहन लिया शर्ट पहन के सो गए, ऐसे लोगों को स्किन डिसीजेज होने की बहुत संभावना होती है। तो कारण को जानने के बाद और अपने द्वारा की जाने वाली इन गलतियों को जानने के बाद किस किस तरह की परेशानी का हमने सामना करना पड़ सकता है ये भी हम जानेंगे आपसे। आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी और कौन कौन सी परेशानी से हमें दो चार होना पड़ सकता है अगर ऐसी गलतियां करते हैं तो। देखिए ये स्किन में स्किन की होने वाली मुख्य समस्याएं हैं फोड़े फुंसी जी, खुजली, बरसाती घमौरियां। ये बरसाती जो घमौरियां होती हैं, होती तो पीठ पे ही हैं, लेकिन बड़ा दुखदाई होती है इनके अंदर गर्मी में जून में होने वाली जो घमौरियां होती हैं उनमें खुजली होती है जी। लेकिन बरसाती घमौरियों में खुजली के साथ जलन भी होती है जी। ये लगता है आग जैसी निकल रही है, एक्जिमा चाहे वो ड्राई हो चाहे गीला हो, सोराइसिस, स्किन एलर्जी, बहुत सारी स्किन की समस्याएं हैं नंदिनी जी जो हमारी विभिन्न प्रकार की गलतियों के कारण हो जाती हैं। तो नॉर्मल जो परेशानियां होती हैं हमने कारण को जाना, हम सावधान रह सकते हैं, वो गलतियां ना करें, वो परेशानी हमें ना हो पाए। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों के बाद आपने कही सोराइसिस का जिक्र किया, आपने एक्जिमा का जिक्र किया, इस पर भी जानना चाहेंगे कि कौन सी वो सावधानियां हैं जो बरत करके हम इनसे दूर रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में, प्रणाम और सवाल करें। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्ते नमस्ते, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरी पत्नी जो है वो छोटे छोटे जैसे चींटी काट लेती है वैसे वैसे दाने हो जाते हैं, और रात में ही खुजली होती है, दिन में कोई खुजली नहीं होती है। कई इलाज करा चुके डॉक्टरों का लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक सीटी जेड टेबलेट आती है वो जब खा लेती है दो तीन दिन आराम रहता है, फिर वही स्थिति हो जाती है। देखिए ज्यादा संभावना है कि ये स्किन का बीमारी ना हो के एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जो स्किन पर दुष्प्रभाव पैदा करता है। सही मामले में आपकी बातचीत से ऐसा लगता है कि ये स्किन डिसीज नहीं है, ये एलर्जी है। और इसके लिए एक सहज उपाय आपको बताएं कि आप कपूर, नीम का तेल और पिपरमेंट, इन तीनों चीजों को मिला के रख लीजिए, खूब अच्छी तरह इसको तीन चार दिन में ये घुल जाएगा, और खुजली वाले स्थानों पर सुबह शाम इसको लगाते रहिए। इससे जो एलर्जिक स्किन की प्रॉब्लम होती है उसमें आराम मिलेगा। एक चीज पर और ध्यान दीजिए कि देखिए ये सुबह आपको नहीं होती है, आपकी पत्नी को, ये रात्रि में होती है, तो ज्यादा संभावना है कि आपके घर का कोई पर्दा गंदा हो, पर्दे से के या बिस्तर में कोई ऐसी गड़बड़ी हो जो उस आपकी पत्नी के लिए एक एलर्जी की समस्या को पैदा करती हो। लेकिन बहुत से लोग कहते हमें नहीं हो रहा है, अरे आपको नहीं हो रहा है लेकिन आपकी पत्नी के शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता और आपकी प्रतिरोधात्मक क्षमता में फर्क है, और उस तत्व के प्रति आपका शरीर रक्षा कर लेता है, उनका नहीं कर पाता। तो बहुत बार ये भी घर में लड़ाई का कारण बन जाता है कि तुम्हें कैसे हो गया, हमको तो होता नहीं है। हाँ, तो बजाय परेशानी को समझने की झगड़ने लगते, झगड़ने लगते। तो मेरा निवेदन है अपने घर में भी, अपने बिस्तर पर भी
इस बीमारी के कारण को ढूंढें। एक और बात, बहुत बार महिलाएं रात्रि में जो नाइट ड्रेस पहनती हैं वो बहुत सिंथेटिक होती है जी, वो एलर्जी पैदा कर देती है। तो इस प्रकार की चीजों को आपको स्वयं उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, और जब कारण ढूंढ लिया तो निदान अपने आप मिल जाएगा। बातें अभी और भी बहुत सी हैं, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। बहुत हैवी है। दूध अंडा दाल सब देती हूँ पर ताकत फिर भी नहीं। सिर्फ ये सब काफी नहीं है, उसे रोज दे धाकड़ प्रोटीन। वो किस में है? हथनी के दूध में, शुतुरमुर्ग के अंडे में, पूरी खरपतवार में। किसकी सुनूं? न्यूट्रेला सोया चंक्स की सुन, इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। ये है रोज ताकत परोसने का टेस्टी और हेल्दी तरीका। तो अब धाकड़ प्रोटीन को लेकर नो कंफ्यूजन, हेल्दी रहना सिंपल है। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज।
दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? जेएमडी पर, केवल जेएमडी पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्यौहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? जेएमडी पर, केवल जेएमडी पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्यौहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से। डेनम्बे केबल नेटवर्क के डायरेक्टर संजीव दीक्षित ने भाजपा की ली सदस्यता। आज से भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता हुए संजीव दीक्षित। भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर शामिल हुए संजीव दीक्षित, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी ने दिलवाई सदस्यता। संजीव दीक्षित ने अपने कई साथियों के साथ ग्रहण की सदस्यता। बड़ी खबर कानपुर से। डेनम्बे केबल नेटवर्क के डायरेक्टर संजीव दीक्षित ने भाजपा की ली सदस्यता। आज से भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता हुए संजीव दीक्षित। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं संजीव दीक्षित। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी ने दिलवाई ये सदस्यता। संजीव दीक्षित ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर ग्रहण की सदस्यता। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से डेनम्बे केबल नेटवर्क के डायरेक्टर संजीव दीक्षित अब भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं, क्या बताएंगे आप हमें इस खबर पर? बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं, डेनम्बे केबल के डायरेक्टर संजीव दीक्षित भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा की सदस्यता जी उन्होंने ग्रहण किया है। अपने कई साथियों के साथ उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये कि भाजपा की जो नीतियां हैं, जो भाजपा के जो काम है, सबसे बड़ी बात आर्टिकल 370 से प्रभावित होकर जो धारा हटाई गई, उससे प्रभावित होकर संजीव दीक्षित जी ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए इस खबर पर। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां डेनम्बे केबल नेटवर्क के डायरेक्टर संजीव दीक्षित ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। आज से भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता हो गए हैं संजीव दीक्षित। भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी ने यह सदस्यता दिलवाई। संजीव दीक्षित ने अपने कई साथियों के साथ सदस्यता की ग्रहण किया। और फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। We'll be right back.
बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य चेतना। बात हो रही है स्किन डिजीज को लेकर। क्या कुछ परेशानियां स्किन से रिलेटेड हमें हो सकती हैं? आपने जैसा कि हमें कारण बताया, लेकिन बात सावधानी पर चल रही थी। आखिर क्या कुछ सावधानियां हम बरत सकते हैं जिसके चलते इन परेशानियों से हमारा सामना ही ना होने पाए, क्या बताएंगे आप? नंदिनी जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, केवल स्किन डिसीजेज ही नहीं जी, अगर हम एक हेल्दी लाइफ लीड करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के आक्रमण से अपने शरीर को, अपने शरीर के आंतरिक अंगों और मन मस्तिष्क को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है भोजन में सुधार। आज हम लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा आहार हमारे लिए हितकारी है, हम क्या खाएं। हम लोग चाट, चटनी, पकौड़े, मसालेदार भोजन, सुबह नाश्ता में ही दालमोठ, चिप्स, चाय, कॉफ़ी से शुरुआत होती है जी। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जीवन को प्राकृतिक रूप की तरफ ले जाइए। प्रातः के नाश्ते से लेके दोपहर का लंच, रात्रि का भोजन, ये सब संतुलित हो, आपके शरीर के जरूरत के अनुकूल इनके अंदर पोषक तत्व हो, इनर्जी हो, इनके अंदर मिनरल्स हो। लेकिन लोग क्या हैं, जैसे सूप बहुत अच्छी चीज होती है जी। सूप सेहत के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन पैकेट वाला सूप पी रहे हैं हाँ। जिसमें दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं, फ्लेवर्स पड़े हैं, उसकी पौष्टिकता कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम उस सूप को पी रहे हैं, जो सूप सेहत के लिए लाभकारी ना हो के सेहत के लिए विषकारी है, नुकसानदायक है। ऐसे ही फ्रूट जूस है, हम फ्रेश की जगह डिब्बा बंद जूस को प्रेफर करते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, आप जूस, एप्पल का जूस निकाल के रख दीजिए, 4 घंटे बाद पी नहीं पाएंगे, खराब हो जाएगा, महक जाएगा 3-4 घंटे में। और ये 5-5 महीने से पैक किया हुआ रखा है, इसमें निश्चित रूप से लिखते हैं वो नेचुरल है, पैक्ड है और इसमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन क्या आप किसी भी रूप में आप रखें, एयर टाइट पैक करें, तो भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स के बगैर कई महीनों तक उसको सुरक्षित रखना साधारण रूप से संभव नहीं है। इसलिए जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक आहार पर जोर दें। तो आहार प्राकृतिक होना चाहिए। जूस भले ही प्राकृतिक हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसे इस तरीके से रखा गया है कि अब वो प्राकृतिक नहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर के ताज़ा खाना होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। दूसरी चीज, संयोग विरुद्ध आहार ना लें। हम समोसा खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हमने गर्मा गर्म, आप देखिए लोग शादियों में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी ली, 5 मिनट बाद ही बेटर आया सर्विस देने, सूप के बाद आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, ठंडा गरम सब खाते जा रहे, पनीर का टुकड़ा लाया वो भी खा लिए, चाट भी खा ली, फिर खाना भी खा लिया गर्मा गर्म, और खाने के बाद हमने दूध भी पी लिया गर्म, और फिर आइसक्रीम भी खा ली, छोड़ा कोई चीज़ नहीं। ये संयोग विरुद्ध आहार हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, साथ ही इनका बुरा असर हृदय पर भी पड़ता है, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का एक कारण बन जाते हैं ये। इसलिए भोजन में सुधार और संयोग विरुद्ध आहार पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात नंदिनी जी है जो सावधानी रखना चाहिए कि अपनी दिनचर्या में सुधार करें। लोग क्या करते हैं, 12 बजे रात में खाना खा रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, उठे जल्दी जल्दी ब्रश किया, नहाया, घंटी हिलाई और आधा घंटे में ऑफिस के लिए, शॉप के लिए अपने निकल गए, ये चीज उचित नहीं है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, ज़्यादा देर एसी में ना रहें। कई महिलाएं तो ऐसी हैं, बच्चे को 2 महीने 4 महीने के बच्चे को
उसकी रेजिस्टेंस ही डेवलप नहीं होने देती हैं, बराबर एसी में रखती हैं। जब ये साल दो साल का बच्चा होता है, जब बाहर खेलता है, जरा सा धूप लग जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है। तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी दिनचर्या का चयन, दिनचर्या को निर्धारित करना चाहिए। स्किन डिसीजेज के लिए अगली बात मैं कहना चाहूँगा नंदिनी जी, कि जो खुशबूदार तेल हैं जी, बाल रंगने के तरीके हैं, डाई, ये सब स्किन को कलर, ये सब स्किन को बुरी तरह बुरा प्रभाव डालते हैं, खराब करते हैं, एलर्जिक डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं। तो इन सब सावधानियों को रखें। और एक मैं और उपाय बताना चाहूँगा कि सप्ताह में एक बार केवल पानी पी के व्रत रखें, रात्रि में कोई एक फल खा के सो जाएं। ये नहीं है कि दिन भर आपने व्रत या उपवास किया, रात्रि में पूड़ी और कूटू के आटे की पूड़ियाँ, चार सब्जियाँ, हाँ, सुबह से लेके आलू खा लिए, आधा किलो आलू खा लिए, तो सुबह से शाम तक जो तपस्या की वो शाम को बिल्कुल खराब कर दी। तो आप रात्रि में कोई एक गिलास दूध ले लें, एक कोई फल खा लें, कोई ताजे फल का जूस पी लें, एक गिलास मौसमी का जूस पी लिया, बस व्रत हो गया। व्रत या उपवास वाले दिन पानी खूब पिए, दिन भर पानी पिए। अगर आपको कमजोरी सी एहसास हो तो प्रातः या दोपहर में भी एक गिलास ताजे फल का रस ले सकते हैं, बार बार नहीं, बस दो बार से ज़्यादा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो केवल स्किन डिसीज नहीं, और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप बचाव कर सकते हैं, आप अपनी सेहत को अच्छी रख सकते हैं। तो कारण जाने, हमने सावधानियां भी जानी समझी, और यहाँ पर इतना तो हम जान चुके हैं कि काफी हद तक हम बच सकते हैं स्किन डिजीज से, बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करने पाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि छोटी छोटी ही परेशानी आगे बढ़कर के असाध्य रोग भी दे सकती हैं। लेकिन इस वक्त बात अगर की जाए साधारण स्किन इन्फेक्शन की, तो इस पर आप क्या बताएंगे, किस किस तरह का हो सकता है इन्फेक्शन और कुछ घरेलू उपाय, उसके बिना अधूरा है हमारा शो। देखिए अभी मैंने आपको इनके कारण बताए जी, तो यही कारणों से ये समस्या होती है। अब इनके उपाय आप कैसे दूर करें, एक उपाय मैं आपको बता चुका हूँ कि लहसुन को छील लें, लहसुन की कलियों को, 5-7 कलियाँ लहसुन की और 15-20 पत्तियाँ तुलसी की। और तुलसी में नंदिनी जी बहुत टेक्निकल में नहीं जाना, ये श्यामा है, ये रामा है, अच्छा, वो फायदा नहीं, तुलसी आपको तुलसी मिल जानी चाहिए। ऐसा होता है जो लोग ज़्यादा टेक्निकलिटी में पढ़ते हैं वो उपाय ही नहीं ढूंढ पाते, बोले श्यामा तुलसी, बोले अभी 20 दिन बाद मिल पाएगी, तब तक परेशानी बढ़ रही है। बढ़ गई जी। तो आप जो तुलसी की पत्ती मिल जाए साफ सुथरी, उनको पीस के, लहसुन और तुलसी की पत्ती को पीस के खुजली वाले स्थान पर, स्किन में इन्फेक्शन वाले स्थान पर लगाने से वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, खुजली ठीक हो जाती है। लेकिन इस उपाय से थोड़ी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। तो आप इसको लगाने के 15-20 मिनट के बाद थोड़ा देसी घी उस संक्रमित स्किन पर जरूर लगा लें, हल्का हल्का। अब देखिए देसी घी में क्या होता है, बोले गाय का घी लाओ, अब गाय का आदमी घी ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं पा रहा, तो वो कहता है ये उपाय नहीं कर पाएंगे, फिर वो दवाई खाने लगता। मैं कहता हूँ देसी घी आप प्राथमिकता गाय के घी को दें, लेकिन अगर नहीं उपलब्ध है तो आपके घर में जो उपलब्ध है भाई वो 5% कम लाभ करेगा, 95% तो करेगा, आप उसका उपयोग कर लें। ना मिलने पर अगर हम मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं तो उससे बेहतर है कि कोई सभी घी सही, कोई सी भी तुलसी सही, लेकिन डालडा और तो रिफाइंड ऑयल ना करें, बोले घी होना चाहिए। अगर देसी घी नहीं मिल पाता है तो फिर नीम का तेल उसका बेहतर विकल्प हो जाता है। आप जैसे कि जो भी नुस्खे बता रहे हैं उसमें तुलसी के पत्रों का खूब जिक्र कर रहे हैं, तुलसी के पत्ते जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल होता है, फायदेमंद होता है,
फेस पैक क्या कोई बनाया जा सकता है? चटनी का आपने जिक्र किया कि तुलसी के पत्ती की चटनी जैसी बना लो, तो क्या फेस पैक भी बनाया जा सकता है? कुछ ऐसी चीजें जो हमारे रूटीन में शामिल हो जाए और हमें इस तरह की परेशानी होने ही ना पाए, कुछ ऐसी बातें? नंदिनी जी, फेस पैक का इस्तेमाल दो कारणों से किया जाता है जी। पहला, जिनका रंग सांवला है उन्हें गोरा होना है जी। ज्यादातर लोग फेस पैक इसी उद्देश्य से करते हैं कि ग्लो आ जाए और रंग साफ हो जाए। इसके लिए एक बहुत सरल उपाय है, आप गेंदे के पीले वाले फूल ले लीजिए, इनको सुखा लीजिए, गेंदे के फूल को पीस लीजिए और संतरे के छिलके सूखे हुए, जितना गेंदे का फूल हो उसका आधा संतरे का छिलका जी। अब इन दोनों को मिला लीजिए, इस पाउडर को 2-3 चम्मच पाउडर रात्रि में पानी में भिगो दें। अगर रात्रि में नहीं भिगो सकते हैं तो नहाने से 10 मिनट पहले पानी में भिगो दें और इस पाउडर को अच्छी तरह मिला के चेहरे पे ही नहीं पूरे शरीर पर लगाइए। पूरा शरीर एकदम खुशबू से नहीं, एक सौंदर्यवान हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, पूरे शरीर की स्किन आकर्षक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, साबुन से ज़्यादा शरीर साफ होगा। इसके बाद साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ज़बरदस्ती में लगाते हैं, तो मैं कहता हूँ पहले साबुन लगा के नहा लो, फिर इसको लगा के एक बार फिर पानी डाल लो, उनको सेटिस्फेक्शन रहे कि हमने साबुन यूज किया हाँ। है जी। लेकिन इसको लगाने के बाद रंग धीरे धीरे अच्छा, इतना और नंदिनी जी कहना चाहूंगा कि रंग 2-4 दिन में साफ नहीं होता है हाँ। आप इसको कई महीने तक इस प्रयोग को करते रहें और धीरे 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 आपको खुद लगेगा, हर महीने लगेगा कि आपके चेहरे का आकर्षण बढ़ा है, गिलो बढ़ा है और चेहरे के अंदर के दाग धब्बे जो स्किन पे थे साफ होके रंग साफ हुआ। तो जिस तरह से स्किन प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस की, कारण को जाना, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए ये भी जाना, और चलते चलते आपके लिए मैंने जान लिया एक अच्छा सा फेस पैक भी। तो मुझे लगता है इसी के साथ ही जो इतनी सारी जानकारियां आपने दी है उस सबका आप पूरा लाभ उठाइए। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर संपन्न होता है, अगले शनिवार फिर हो जाएंगे हाजिर, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।